नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कई सारे अवतार लिए जिसमें कृष्ण अवतार ने कई सारी लीलाएं रची। इस अवतार ने जहां एक ओर जीवन जीने का संदेश दिया तो वहीं मोक्ष का रास्ता भी दिखाया। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। उन्होंने कई ऐसे ऐसे रहस्य जो है दुनिया को दिखलाए, समाज को दिखलाए, जिसमें जीने का सिद्धांत भी था, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी था। एक ऐसा ही रास्ता, एक ऐसी ही कथा या फिर एक ऐसा ही संदेश उन्होंने महाभारत में भी दिया था, जो था गीता का सार। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं, वो हम दावा करते हैं कि वो कहानी या किस्सा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये कहानी ना ही पांडवों की है ना ही कौरवों की है। ये कहानी है उन आम सैनिकों की, जो कि 45 लाख की संख्या में थे और जिनकी वजह से ये युद्ध, महाभारत का युद्ध, 18 दिनों तक चला था। महाभारत के युद्ध में लीलाएं रच रहे थे श्री कृष्ण। भले ही सेनाएं पांडवों और कौरवों की तरफ से युद्ध कर रही हों, लेकिन कृष्ण ने पूरे युद्ध को अपने मस्तिष्क में पहले ही लिख लिया था। इतना ही नहीं, हर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान था। तभी तो सोचिए, जिस युद्ध में 45 लाख सैनिक दिन रात लड़ रहे हों, वो खाना कैसे खाते? इसके पीछे भी कृष्ण लीला थी। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से भी ज्यादा लोग महाभारत के इस युद्ध में भाग ले रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाएगा और कैसे सब प्रबंध होगा। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे, तो कैसे शाम के खाने का हिसाब किताब बनता था? इस खाने के लिए राशन की व्यवस्था कैसे होती थी? महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई और इस युद्ध के लिए हस्तिनापुर से सैकड़ों मील दूर कुरुक्षेत्र को चुना गया। इसके बाद सभी राज्यों के राजा अपने राज्य, संबंधों और परिवारों को देखते हुए, कौरवों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं इसको देखते हुए अपना अपना पक्ष रख रहे थे। जी हाँ, राजाओं ने ये तय कर लिया था कि वो किस तरफ जाएंगे, पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे राजा थे जो ना पांडवों की तरफ थे ना कौरवों की तरफ थे। उन्होंने इस महायुद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया, यानी कि वो तटस्थ राजा रहे। उनमें से एक राजा थे उडुपी के राजा। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध जो लड़ा जा रहा है, इसमें 45 लाख सैनिक भाग ले रहे हैं। इतना बड़ा जमावड़ा, जो कि मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इन सब के खाने का क्या होगा? इनको हर रोज खाना कौन बना के देगा? अब उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो चाहते हैं कि जब तक ये महायुद्ध चले, तब तक इन सैनिकों के खाने का, रसद का और इनकी बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का ध्यान राजा उडुपी के रखना चाहते हैं। उडुपी के राजा ने कहा कि बिना भोजन के कोई भी योद्धा युद्ध नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं दोनों पक्षों के जो सेना लड़ रही है उनके भोजन का प्रबंध करवाऊंगा। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी और श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि इतने सारे सैनिक, इतना बड़ा महायुद्ध, तो खाना आखिर किस हिसाब से बनेगा? कहीं भोजन कम या ज़्यादा ना हो जाए। महाभारत के युद्ध में लगातार सैनिक मर रहे थे। ये हिसाब भी कैसे रखा जाता कि आज कितने सैनिक मरे? फिर रसोइयों को कैसे पता चलता था कि किस दिन कितने भोजन की आवश्यकता होगी? इतनी सटीक मात्रा में आखिर भोजन कैसे पकाया जाता था? इनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। यही तो लीलाधर की लीला थी। आश्चर्य की बात है कि 18 दिन तक चलने वाले इस महायुद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही कभी ज़रूरत से ज़्यादा बचा। ऐसा आखिर कैसे संभव था? ये इसका जो रहस्य है, ये सिर्फ उडुपी के राजा के पास ही था। और जब इसका जो रहस्य है उन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया, तो हर कोई चकित रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल, महाभारत के युद्ध की ये कहानी भी भगवान कृष्ण से जुड़ी है, उनकी लीलाओं से जुड़ी है।
ऐसा माना जाता था कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का ये युद्ध लड़ा जा रहा था तो सुबह सूर्य के साथ ही युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ ही ये खत्म हो जाता था। सभी सैनिक अपने हथियार डाल देते थे, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए सैनिकों को जाना होता था, खाना पीना करते थे और जो घायल होते थे सैनिक उनका उपचार किया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी ये बात है कि खाने की जो व्यवस्था थी वो कैसे दुरुस्त थी। कहानियों की माने तो हर दिन सूर्यास्त के बाद उडुपी के राजा श्री कृष्ण के शिविर में जाते थे। कृष्ण को उबली हुई मूंगफली बेहद पसंद थी। रात में श्री कृष्ण उबली हुई मूंगफली के कुछ ही दाने ग्रहण करते थे और बचे हुए दाने वो पात्र में ही छोड़ देते थे। उडुपी के राजा सुबह जाकर उन दानों की गिनती करते थे, इससे उन्हें ये पता चलता था कि उन्होंने रात्रि में कितने दाने ग्रहण किए। यदि उन्होंने 10 दाने खाए तो इसका मतलब है कि युद्ध में अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। यदि 5 खाए तो 5,000 मारे जाएंगे। इसी के आधार पर रसोइये को भोजन बनाने के लिए कहा जाता था और ये पकाया हुआ भोजन सभी सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में हासिल होता था और कभी भी कम नहीं पड़ता था। तो भगवान श्री कृष्ण लीलाधर के मूंगफली खाने से पता चल जाता था कि महाभारत के युद्ध में कितने सैनिक मरेंगे, कितना खाना बनाना है। ऐसी अनेकों कथाएं लीलाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंची है, इनमें से एक लीला एक कथा हमने आप तक पहुंचा दी। आपको आज की ये विशेष कहानी हम कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कहानियों से जुड़ा कोई भी सुझाव हो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।